नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विनायक बनर्जी और आप देख रहे हैं कॉमिक्स बाइट। सो आज हाल ही में मुझे मेरे ख्याल से एक या दो दिन पहले पार्सल प्राप्त हुआ कॉमिक्स इंडिया का, जिसमें उनके पांचवें सेट की कॉमिक्स थी जो प्री ऑर्डर पर उपलब्ध थी और मैंने मंगाई थी। तो उसकी अनबॉक्सिंग एक्चुअली मैंने बनाई लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो तो नहीं है लेकिन कॉमिक से बाहर है और हम नज़र एक मार सकते हैं इनमें कि क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहली कॉमिक्स ये है, फंस गया जम्बू। जम्बू की कॉमिक्स है और अगर आप देखें तो क्वालिटी इस बार काफ़ी अच्छी है। पेजेस की आप देखें और जो टेक्स्ट है वो भी बहुत क्लियर है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो में भी क्लियर कट, और इमेज क्वालिटी भी काफ़ी शार्प है। जम्बू के बेटे का ऐड है पीछे और जम्बू और ऑक्टोपसी, ये तो मैंने बचपन में पढ़ी थी, बहुत शानदार कॉमिक्स है। शायद आएगी विंटेज कॉमिक्स, वेद प्रकाश शर्मा, फंस गया जम्बू, ये पहली है। अंगारा खतरे में, ये दूसरी कॉमिक्स है और इसका आर्टवर्क मुझे याद दिलाता है एक कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील की, कानून का कीड़ा, जहाँ पे शायद से एक बुल उसे मार रहा है, ये मुझे उसकी याद दिला रहा है। मैंने राज कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ी है तो अब कॉमिक्स इंडिया के सहारे तुलसी कॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ये ग्लॉसी पेजेस हैं और ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे, क्या बात है। टेक्स्ट भी काफ़ी क्लियर है और आप देखिए लास्ट टाइम ऐड का इशू था जो क्लियर नहीं थे, इस बार ऐड भी काफ़ी अच्छे हैं, देख रहे हैं। तो ये वर्दी वाले गुंडे का ऐड है, ईशे वेद जी का पिक और उनका नॉवेल का डिटेल। तो ये अंगारा खतरे में, उसके बाद है महाकाल अंगारा। ओके, महाकाल अंगारा, यहाँ पे शेर की खाल पहने तो लोग लड़ रहे हैं, इसके तो हमने आर्टिकल भी शेयर किए थे अपने कॉमिक्स बाइट वाले पोर्टल पे। और ये देखिए यहाँ पे जटायु से लेके उड़ रहा है अंगारा को, एक्चुअली इसके पीछे नवनीत सिंह जी का हाथ है जिन्होंने काफ़ी पहले अंगारा के कुछ 8-10 कॉमिक्स के जो शुरुआती अंक थे उनका रिव्यू शेयर किया था, जो हम कॉमिक्स बाइट पे आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्द। और मुझे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई थी उनके आर्टिकल्स के द्वारा, और ये एक्चुअली कहानी पूरी उन्होंने बता दी थी तो स्पॉइलर है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कॉमिक से मतलब है क्योंकि चित्र वगैरह तो होता नहीं है, सिर्फ कहानी का एक सार दे दिया आपने। तो वो बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने बीच में, और वो खुद एक आर्टिस्ट हैं और ड्रीम कॉमिक्स में उनकी कॉमिक्स से प्रकाशित हो चुकी हैं, फैन मेड कॉमिक्स वो बनाते हैं, तो बड़े ही अच्छे फनकार हैं। और ये महाकाल अंगारा आप देख सकते हैं आपके सामने, क्वालिटी इज़ गुड। देन जम्बू गया हार। ओके, ये वीडियो थोड़ा अलग प्रकार का है क्योंकि मैं ऊपर आइडियली कैमरा सेट करके बनाता हूँ वीडियो, लेकिन अब जब ये खुल ही चुकी हैं और पूरा सेटअप फट गया है तो अब वापस से करने का मतलब नहीं है उसे, और वीडियो तो बना नहीं था तो इसलिए इस बार इस टाइप से हम वीडियो बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये देखिए, तो आर्टवर्क बहुत शानदार है, भारत मकवाना जी का आर्टवर्क है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि आर्टवर्क अच्छा नहीं होगा। जम्बू का आर्टवर्क वही बनाते थे, वेद जी लिखते थे। और आप देखें तो पीछे योगा की कहानी का ऐड है, बास दिखेगा आपको। और अगले सेट में बहुत जल्द जो छठवां सेट है जिसका प्री ऑर्डर लग चुका है उसमें आएगी योशो की कॉमिक्स, है ना। तो ये हो गया जम्बू गया हार, और ये महाकाल अंगारा, ये अंगारा खतरे में, और ये फंस गया जम्बू। सुविधा लेता हूँ मित्रों, आज के लिए इतना ही, इस रैप करते हैं इस वीडियो को, और नमस्कार, धन्यवाद कॉमिक्स बाइट।